हे गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है अमन सचान और आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं मास्क आईडी अपडेट के बारे में जो कि आईफोन में अभी रिलीज हुआ है। गाइस आप सभी ने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी इस टाइम स्पेशली कोविड में, जब आप मास्क लगाते हैं और अपने आईफोन को आप अनलॉक करते हैं तो वो अनलॉक नहीं होता और आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ थी। इससे बचने के लिए आईफोन ने एप्पल ने मास्क आईडी का अपडेट लॉन्च कर दिया जो कि ग्लोबल है, आपके आईफोन में आ गया होगा अब तक। तो गाइज़ मेरा नाम है अमन सचान और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको जाना है अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट में जनरल के अंदर और वहाँ पर आपको चेक करना है अपडेट। आपके में एक 1.19 GB का iOS 14.5 का अपडेट आया होगा, हो सकता है आपके में पुराना अपडेट भी आया हो। और यहाँ पर ये आईडी स्पेशली देख सकते हो आप, अनलॉक आईफोन विद मास्क एंड वाइल वियरिंग फेस मास्क विद एप्पल वॉच, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और कई सारे और भी अपडेट्स हैं, एयर टैग का अपडेट, इमोजीज का, कुछ सीरी का अपडेट, प्राइवेसी का, एप्पल म्यूज़िक का, पॉडकास्ट का और कुछ 5G इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और यहाँ पर हम लोगों का मैप्स में भी ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल अपडेट आया है और भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो कि इस अपडेट में आपका सॉर्ट हो जाएंगे आपके। तो आपको नॉर्मली वो वाला अपडेट डाउनलोड कर लेना है। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि मास्क आईडी अपडेट एक्चुअल में आईफोन के लिए नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको अपने पासवर्ड डालना है और आपको अपडेट वो इंस्टॉल कर लेना है। हो सकता है आपका अपडेट साइज़ दूसरा हो या फिर आपके में दूसरा अपडेट आया हो। यहाँ पर मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है तो उसमें ये अपडेट आया है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके में अपडेट बाद में आ जाएगा वो। तो गाइज अभी हमारा आईफोन उठ चुका है अपडेट और मैं यहाँ पर आपको एक बार सेटिंग में आकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो iOS 14.5, iOS इज़ अप टू डेट। और अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं अपना मास्क आईडी, मतलब जो हम लोगों ने मास्क लगाया उसके साथ काम करता भी है नहीं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने मास्क लगाया हुआ है और मैं अपने आईफोन को लॉक करता हूँ और फिर इसके बाद ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर गाइज ये फ़ोन ओपन नहीं हो रहा है और मैंने यहाँ पर फेस आईडी एंड पासकोड वाले ऑप्शन में सेटिंग के अंदर जाकर भी चेक किया तो यहाँ पर ऐसा मास्क आईडी का या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है या फिर मास्क जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने सोचा एक अल्टरनेटिव फेस अपीयरेंस ऐड करके देखें, शायद उससे होता हो ये चीज़, लेकिन अभी भी वही सेम लास्ट जैसे लिख के आता था फेस ऑब्स्ट्रक्टेड, तो वही लिख कर आ रहा है सेम चीज़। यहाँ पर वो चीज़ भी काम नहीं कर रही। तो फिर इसके बाद गाइस वापस से जब मैं अपडेट के उसमें गया तो वहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स द ऑप्शन टू अनलॉक आईफोन विद एप्पल वॉच वाइल वेयरिंग अ फेस मास्क। मतलब अगर आपको अपने मास्क के साथ अपने आईफोन को लॉक करना है तो आपको अपने हाथ में एप्पल वॉच को पहनना पड़ेगा जो कि आपके आईफोन से कनेक्टेड हो। मतलब आप नॉर्मली अगर डायरेक्टली अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने आईफोन से इसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पे एप्पल वॉच नहीं पहनी हो, और वो काम करता है जब आपने एप्पल वॉच पहनी हो और आपसे कनेक्टेड हो तो ही, जैसे आप आईफोन की तरफ देखेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, थोड़ा सा सही नहीं था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल आप भी शायद यही सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो में कुछ खास नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार, धन्यवाद।